तरन तो हर बार, बार तो टीम। टीम। तो <laughs> लोडू कुछ करेंगे मुंबई इंडियंस लेकिन अब वो वीडियो आनी चाहिए अब एक जिसमें चल चल के बीच में एक बंदा आता और बोल के निकल जाता एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जीता आई थिंक जी भी धीरे धीरे वहीं पहुंच जाएगी तो वो जो ट्रिनिटी है ना ट्रेड वाली ट्रिनिटी जिससे तीन टीम इफेक्ट हुई है कौन? जीटी, जीटी से वो गया हार्दिक और हार्दिक को खरीदने के पैसे मिले ग्रीन को देके बैंगलोर को तो ये आर सी बी रहेंगे ट्रीनिटी है, ये। ये तीनों साथ में रहें है। अपना नीचे। पूरी वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करो चैनल को कर दिया हाँ अब एंजॉय करो गुड मॉर्निंग एवरी वन यूर वॉचिंग आईपीएल मॉर्निंग विद टू एंड स्लॉगर्स नाउ आई टू कॉल टैक्सर

but yes in a world of 200 plus scores where 250 is scored it's being changed there comes ikana page

हाँ, पूरा जोर हाँ। लगाया अब इसके बाद बातें क्यों ना बने सही बात। मतलब मैं आई रिफ्यूज टू बिलीव कि ऐसा कुछ है देर वॉज अ मयंक यादव नोबॉल जो किसी भी और का पाव होता तो वो नोबॉल no नहीं होती बट उसकी दे दी वो ऐसा है कि जल्दी दबा दे भाई कुछ भी बटन दबा दे। आ, तो जल्दी मयंक यादव ने तीन पॉइंट एक ओवर में इकतीस रन दिए एक विकेट लिए पर उसका कुछ तो है तुम्हारे ऊपर असर पूरा पूरा असर है और आज तो सोच मैचअप्स बोले मैचअप्स की वजह से ऐसा हुआ कि कृणाल पांडे ने एक भी ओवर नहीं डाला सोच हुडा ने दो डाल दिया क्योंकि दोनों लेफ्टी खेल रहे थे तो लेफ्टर को उसके आगे नहीं लगाया और सोच के आप ग्राउंड पे आए हो आपका भाई सामने वाली टीम में खेल रहा है आपने ना एक बॉल डाली बैटिंग करते में एक बॉल मिली और पूरा बीस ओवर आपने फील्डिंग की है

तो इन बेस्ट्रीज का भी अलग चल रहा था आज हाँ भाई और ईशान किशन का क्या फाइनली उसका रिफ्ट खत्म हो गया रोहित शर्मा से क्योंकि अब वो टेस्ट मैच खेल रहा है बत्तीस रन छत्तीस बॉलों पे भाई हाँ, उसने कहा वर्ल्ड कप की तो अनाउंस हो गई है लेट प्रिपेयर फॉर नहीं वो टिका तो रहा बाकी तो एकदम फटाफट निकल रहे थे <laughs> शांत किशन टिका रहा हूँ चाहे टेस्ट मैच ही खेल रहा हो बट टिका रहा भाई रोहित शर्मा का मैं बता देता हूँ भाई एक रन पांच बॉलों पे 2014 हजार दो रन पांच बॉलों पे 2022 हजार तीन रन पांच बॉलों पे 2023 और चार रन पांच बॉलों पे 2024 ये रोहित शर्मा के स्कोर्स है जब जब वो अपने बर्थडे पे खेला है यानी शाह जी आपकी ये थ्योरी है भाई कि रोहित शर्मा को उसके बर्थडे पे खिलाओ और उसको फ्लॉप करवाओ क्या होता है पार्टी में जाने की जल्दी होती है उन्हें या क्या ये वो कुछ लड़के होते हैं ना जिन्हें अच्छा नहीं लगता सेलिब्रेट करना अपना बर्थडे वैसा है <laughs> वो वाली शेयर करते हैं मैं लड़के जो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और और फिर फे, फिर स्कूटी पे किसी लड़के की नाचने वाले लड़के की फोटो डाल दी वो डाल वो वैसा है वो वाली थ्योरी है मुझे लगता है इतने अल्फा है की बर्थडे मनाऊंगा बर्थडे मनाऊंगा मैं रोहित शर्मा ने वो वीडियो देख ली कि बर्थडे बनाने वाले लड़के सोने से ना ही से सेना साथ ही तो उसने कहा हो गया भाई

एंड उसके बाद मारा भी उस वो चौथे चौथा ओवर देखो तो उसमें छक्का भी लगा है दो चौके लगे अच्छा ओवर फिर मारा भी सुदर जा जे कदे बनू वो मैं तेनों दसाउ एक सौ अट्ठाइस तो तो का ये बोलते कि पिच स्लो नहीं जब टोटल रानी कितने इतने कम बने तो फिर ये बोल दे ना, बोगा ये बोगा 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 ना ये क्यों बोला तूने स्ट्राइक रेट स्लो नहीं है साढ़े जे नहीं, करने में तो मैं नहीं कह रहा स्ट्राइक रेट स्लो नहीं है मैथमेटिकली इट्स अ स्लो स्ट्राइक रेट बट कंसीडरिंग 145 दैट वी वर चेजिंग एंड बुमराह वाज बॉलिंग मैं ये बोल रहा था कि हमें ये स्कोर 16 ओवर्स में चेज करना है मैं बोल रहा हूं स्लोएस्ट स्ट्राइक रेट ट्रैविस हेड से

बट हाँ उसने भी बीस से कमरन दिए विकेट भी ली वो भी इस तरह की दिया एंड बिश्नोई रन रनआउट मार दिया भाई सब अपील कर रहे थे एलबीडब्ल्यू uh, की mm -hmm. उसने उतने में एक डायरेक्ट हिट मार दी विकेट yeah, भी एक ली सो फाइनली एन इम्पैक्ट इन द गेम यस और मैं ये कह रहा हूँ कि देख इनका नाम नहीं आया टीम में ठीक है यह चीज माइंड में प्ले नहीं की होगी हमको एज एन ऑडियंस इतना लग रहा है कि बताओ यार ये हमारे रह बंदे नहीं गए हमारी टीम से एक भी बंदा सेलेक्ट नहीं, नहीं हुआ एसआरएच एंड एलएसजी आर द ओनली टू टीम्स जिनका कोई बंदा वर्ल्ड कप नहीं जा रहा आई नो राजस्थान रॉयल्स ही खेलने जा रही है इंडिया के लिए बट वेन यू प्ले विद दिस बैगेज एंड स्टिल यू कम ऑन टॉप दैट इज कमेंडेबल चलो इन अब ये है भाई एल एस जी दस में छह जीत गई है पता नहीं कहाँ कहाँ से टेबल के थ्री पे तो पहुंच गई है पता नहीं कैसे भाई हर साल अरे यार जीत के यार छह मैच जीत के हर जीद साल जीद क्या होता है, है? तुम्हें छोड़ के बाकी सब सबको तो हारे ना ना, हो तुम एक एक दो हार से हारे और किससे हारे तीन ही मैच तो डीसी सी डी सी से हार गए ना नाच डी टीम है नहीं मैं जानना चाहता हूँ मुंबई से हारने वाली टीम कौन सी कौन सी है मुंबई इंडियन से पंजाब भी हारी है RCB भी हा रही है। भी तो रही है। तो क्योंकि RCB ने दो मैच पहले तक सिर्फ एक ही मैच जीता था पंजाब से <laughs> यार एक तो प... इनका नीचे वालों को अलग चल रहा है <laughs> कि पंजाब को फेल और पंजाब टॉप वालों को फेल दे 10 में तीन जीती है अगली में इनको 4 तो जीतने ही पड़ेंगे और नेट रन फिर आएगा गेम में पर इनके अगले 4 मैचेस है किनसे के से इनके दो मैचेस है हैदराबाद से एक मैच है और एल से इनका लास्ट मैच है भाई तो चार में से तीन मैच तो बहुत गंदे मैच हैदराबाद का तो हो गया बैटिंग फर्स्ट नहीं मिलेगी तो चुट जाएंगे अच्छा चार में से चार मैच जीतने है और नेट रन रेट भी देखना है मतलब वो तो चार तो जीतनी है उसके बाद बात होगी आगे की तो अगर तुम मुंबई इंडियंस फैन हो तो भाई इट कर लो अपने कैलकुलेटर अगला मैच तुम्हारा कोलकाता से है वो जीत जाओगे वांगखेड़े में तो शायद अब अगले कुछ हो सकता तुम्हारा और कल का मैच है पंजाब वर्सेस सीएसके पंजाब ने लास्ट ईयर सीएसके को सीएसके में हराया था <laughs> uh, सिकंदर रजा की काफी आइकॉनिक बैटिंग मुझे याद है लास्ट ओवर की तरन रिपीटेड अगेन नॉट एट ऑल भाई नॉट एट ऑल चेन्नई को तुमने आके <laughs> पेल दिया है अब बहुत हो गई पंजाब की खुशी वो एक आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट थी कल चेन्नई भाई फुल फॉर्म में आएगी और पेल देगी पंजाब चलो आई विल स्टिल बैक पंजाब समाउ बिकॉज आई वॉन्ट टू सी आशुतोष एंड शशांक ऑन द विनिंग साइड So I will root for Punjab tomorrow. What नए आयो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और के लिए जस्टिस मांग के तो रिंकू का जस्टिस मिलना चाहिए जडेजा पता नहीं फिर से वर्ल्ड कप में कैसे आ गया। हर साल जडेजा वर्ल्ड कप की टीम में आ जाता है और बड़े मैच में अंडर परफॉर्म करता है हार्दिक पंडे को आउट करा देता है विच इज अ गुड थिंग वैसे बट मत कराया करो भाई जडेजा को टीम में मत रखो रिंकू सिंह शुड डिजर्व दिस एक सब लोग ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप फाइनल की जो फाइनल टीम भेजने की तारीख है उसमें अभी कुछ दिन बाकी है तो क्या तब तक वो हो जाएगा जो इंडियन टीम की आजकल फेवरेट बीमारी है कि जी बैक आ आ गए थे क्या आ सकते हैं जडेजा को या मुझे लगता है तब भी पता है क्या होगा जडेजा तो जा जाएगा अक्षर पटेल की चोट लग जाएगी <laughs> भाई मतलब तो रिंकू सिंह ने क्या जडेजा के रूम तक भेज सकते हैं <laughs> <laughs> पर भाई इतना है कि रिंकू सिंह भाई टीम के साथ ट्रैवल तो करेगा ही तो ये जो चार पांच रिजर्व है ये टीम के साथ यूएस और वेस्ट इंडीज तो ट्रैवल करेंगे ही करेंगे बट देर एज गुड एज नेट बोलर यार मतलब आरएसी सीट है यार वो ही है

और दूसरा अजीत अगर कर, कर यार वो तो चीफ सेलेक्टर है पता नहीं कैसे ये कॉल ले ली यार लिटरली नो आइडिया यार चलो चैनल पे नए हो तो वही वाली शुभम वाली बात सब्सक्राइब कर देना भाई